नमस्कार आदाब सत्श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। तो कैसे आप सब, होप करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आ चुका हूं रानी वास यानी कि राजा सेवई सिंह का नरवास पे, और मैं आज इसका टूर कराने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ। लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर राय निवास के बीचों बीच एक मंदिर है, जहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर बोलते हैं, और इनमें सुशोभित हैं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। और जैसे आपको दिखाया है सामने में हनुमान जी का मूर्ति लगा हुआ है, तो आपको एक नज़र अपने एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर में मूर्ति कैसा लगा हुआ। और ये हैं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का उनका सिंहासन, और यहाँ पे जो पूजा पाठ करते थे राजा सेवई सिंह जी और उनकी रानियाँ सब। और सामने में यहाँ पर जो लगा हुआ उनका मूर्ति है, और यहाँ पे पूजा पाठ अभी भी होता है। तो एक बार थोड़ा सा और भी टूर आपको करा देते हैं कि यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ लगी हुई है वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी पुरानी है। तो मैं कोशिश करूंगा ये जितने भी आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, जितने भी दिखाई दे रहा है, उस समय यहाँ पे रहने के लिए रूम बनाया गया हुआ था, और इन सबों में मूर्तियाँ सजाई गई थी। और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और पुरानी होने के नाते बहुत मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है। और अभी जितना भी है अभी ये बचा करके लोग रखे हुए हैं। फिलहाल एक बार अपने मैं आपको टूर करा देता हूँ। मंदिर के परिसर में बहुत सारे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिसमें से कुछ मूर्ति आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक मेरे पीछे ही लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं। और ऐसे ही मंदिर के हर एक कोने और दीवार पे जो है ना ऐसी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और ये है इनका दीवार, और ये है इनका गेट, जो मुझे लगता है कि इसको खुले हुए काफ़ी टाइम हो गया या कभी खुलता ही नहीं है। और ये सब सारी मंदिर की साइड साइड से जितने भी हैं मूर्तियाँ लगी हुई है। और इसमें एक और चीज़ है, ये थी दो मंजिल का, और इस पर चढ़ करके ऊपर जाया जाता था। अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है ताकि ये टूट ना जाए और किसी को क्षति ना हो। फिलहाल इसको रिपेयर किया गया था और अभी ये बंद है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और भव्य और तांबे की घंटी है, बहुत बड़ा सा घंटा है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। मंदिर का परिसर का पूरा सिनेमेटिक व्यू एंजॉय कर लीजिए।